Hello friends, welcome back to my channel Motivation from Life. ये चश्मा मैं इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी रात के 12 बजे है और मैं बहुत थका हुआ, मेरी आँखें बहुत। 2 अक्टूबर तो निकल गया, सो मैं ये वीडियो इसलिए अभी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला, क्योंकि पिछले एक महीने से मैं कंटिन्यू बिजी हूँ यार, बहुत बेकार। एनीवेज, सो मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है गांधी जी से, कुछ बातें हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आए है और कुछ सवालों के आंसर भी मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। सर, सबसे पहली बात मुझे ये नहीं समझी कि गांधी जी के फोटो नोट पर है, ओके। सो क्या सिर्फ गांधी जी ही भारत को आज़ाद करने की लड़ाई में लगे हुए हैं? गांधी जी के पहले भी कितने सारे लोग, मैं नाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गांधी जी की एंट्री हुई थी इंडिया में, ये भारत स्वतंत्र के लिए 1920 से, और अंग्रेज की एंट्री हुई थी आई थिंक 1700 या 1830 से 30 से, ओके। सो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वैसा गांधी जी को भारत का फादर ऑफ द नेशन क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जीवन पूरा नहीं दिया, भगत सिंह ने 21 साल की उम्र में ही देश के लिए कुर्बान हो गए, सुभाष चंद्र बोस ने भी, और लोकमान्य टिलक ने ही, और ऐसे न जाने कितने सारे लोग, कितने सारे देश प्रेमी जो गांधी जी के पहले आके गए हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी है गांधी भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो फिर भी आज भी गांधी जी को इतना माना जाता है भारत की स्वतंत्रता के लिए और बाकी लोगों को कम। सही, अगर बाकी लोगों को भी इतना माना जाता था तो सिर्फ नोटों पर गांधी जी के फोटो नहीं आती थी, और भी जितने स्वतंत्र सेनानी थे उनके भी फोटो आते। ये बात सच है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका में हर अलग अलग नोट पे, आई मीन 10, 20, 100, 50, 1000 के नोट पे अलग अलग लोगों की तस्वीरें हैं। सेम उसी तरह भारत ने भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गांधी जी ने ही स्वतंत्रता के लिए काम नहीं किया, और भी लोगों ने काम किया, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतने ही मान सम्मान और नाम शोहरत मिलनी चाहिए जितनी गांधी जी को मिली है, क्योंकि गांधी जी को बड़ा मानते हैं भारतीय। मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान गांधी जी के नाम पे निकाला, ओके। सो क्या गांधी जी से ही स्टार्ट हुआ स्वच्छता, देश को स्वच्छ बनाना? गांधी जी के आने से पहले क्या लोग कीचड़ में रहते थे, जैसे कि कोई पिग हो गया जो हमेशा नोट आई टू से? सो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझी। और जितना रिस्पेक्ट और क्या बोलते हैं प्रायोरिटी गांधी जी को दिए जाते हैं, उतने ही प्रायोरिटी और रिस्पेक्ट बाकी स्वतंत्रता सेनानी को भी देने चाहिए थे। वेल, आपकी क्या ख्याल है इस बारे में, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया होगा तो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।